कुछ लोगों को बचपन से किताबों का बड़ा शौक होता है। एक वक्त आता है कि धीरे धीरे जब वक्त बढ़ता जाता है तो वो किताबों को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं और फिर अपनी दुनिया से अलग हो जाते हैं। तो ये एल्यूजन भी उसी पे बेस्ड है कि वो धीरे धीरे किताबों को अपनी दुनिया बना लेता और उसके सारे कैरेक्टर्स उसके सामने रियल जिंदा हो जाते हैं, पर इसका अंदाज़ा उसको भी नहीं होता है कि वो है क्या। पर आखिरकार इसको वो खुद ही तोड़ सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट या साइंस या कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है, और इसका कोई इलाज नहीं, इसे सिर्फ वो पेशेंट ही तोड़ सकता है। तो ये कहानी इसी छोटी सी चीज़ पे बेस्ड है। माइंड के तीन पार्ट्स होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस पे ये चीज़ें हैं। सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में हम अपनी चीज़ों को जो ज़िंदगी में सोचते हैं, जो चाहते हैं, उन चीज़ों को हम अपने ख्वाब में या जो खुली आँखों से देखते हैं, उन सारी चीज़ों को हम जिंदा कर देते हैं, और वो रियल नहीं होता है, वो बिल्कुल भ्रम होता है। उसी चीज़ को हमने इस फिल्म में दिखाया है। जब मैं सो रहा था तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि जब हम सपना देखते हैं तो वो कितना रियलिस्टिक होता है, जबकि उसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं होता, और हम उन चीज़ों को बिल्कुल फील करते हैं और उसकी ज़िंदगी हम जीते हैं। तो ये और कुछ नहीं, ये एक एल्यूज़न है। और काफ़ी कुछ ऐसा होता है, गांव में आपने देखा होगा भूत प्रेत, उनका कोई वजूद नहीं, अस्तित्व तो नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता, पर कुछ हद तक उनका नहीं है, साइंस ने प्रूफ किया है। तो वो चीज़ें लोगों को ज़िंदा दिखाई देती हैं पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो एक एल्यूज़न है। तो इस चीज़ पे भी हमने थोड़ा सा लाइट दिया। मुझे डायरेक्टर ने कॉन्सेप्ट सुनाया और मुझे अच्छा लगा और मैं जुड़ गया। जुड़ने की कोई वजह नहीं होती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और लोग जुड़ जाते हैं।